हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, प्रणाम, स्वागत है सभी का फिर से मैं एक न्यू ब्लॉग में। तो मेरा नाम है देवराज और अच्छी राज के इंटरनेशनल सब ब्लॉग के साथ में। तो आज आप लोग इस ब्लॉग में दिखाने वाले इंटरनेशनल मेला, जो कि ये मेला डायरेक्ट ललपनिया में लगता है और काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ पे। तो ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन में ये मेला लगता है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप लोग इसका नाम सुने भी होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। फिर तो देख सकते हैं, ये जो आप लोग मेन रोड देख रहे हैं, ये रांची रामगढ़ का मेन रोड है। और इधर जो आप लोग देख रहे हैं, ये पेटरवार बगोदर गोमिया का मेन रोड है। और इसी का बगल में ये मेला का द्वार आप लोग देख सकते हैं। और इधर आप लोग आगे का साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं नीचे में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे शहीद पार्क है इसके बगल में, जस्ट मेन रोड के बगल में। और देख सकते हैं मेला का द्वार में किस तरह से यहाँ पे बैरियर लगा हुआ है। और मेला देखने के लिए आप लोग को इस रास्ते का सामना करना पड़ेगा। मेला पहाड़ के ऊपर में लगता है, तो आप लोगों को इस रास्ते से पहले चल के चलना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप लोगों को मेला वहाँ पे पहाड़ के ऊपर मिलेगा। और थोड़ा सा ऊपर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं बिरसा मुंडा का यहाँ पे मूर्ति यहाँ पे है। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर, देख सकते हैं काफ़ी ऊंचा जगह पे बनाया गया। पार्क टाइप से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये। और इधर आप लोग मेन रोड का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं ये रहे बिरसा मुंडा जी। और बाकी आसपास का आप लोग गांव का माहौल भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ वगैरह है। तो चलिए यहाँ से निकल के आप चलते हैं मेला की ओर में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी दूर भी चढ़ना पहाड़ के ऊपर। और उसके बाद फिर आप लोगों को पूरा मेला का दर्शन फिर दिखाएंगे। और इधर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लोग आ रहे हैं, यहाँ पे नीचे से देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो अब चलिए चलते हैं ऊपर का साइड में फिर डायरेक्ट। और इधर से जो लोग आ रहे हैं देख सकते हैं, ये पहाड़ के ऊपर से चहक के आ रहे हैं। हाँ दादा, पहाड़ के ऊपर से आ रहे हैं मेला देख के, कैसा लग रहा है मेला? भीड़ है ना पूरा? बहुत भीड़ है। तो ये सब गाइस सब पहाड़ में चढ़े हुए थे। और इधर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वागत के लिए। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा रुकिए ना, कहाँ गए थे? ऊपर। ऊपर गए थे। कैसा लगा ऊपर? बहुत अच्छा लगा। कितना दिन लगता है ऊपर चढ़ने में? एक दिन तो लग गया। हम सिर्फ एक दिन लगा था। कार कहाँ से आए आप? हमें उड़ीसा से। उड़ीसा से हमेशा यहाँ पे आते हैं? तो नहीं, झारखंड। अच्छा, और भी काफ़ी सारे लोग अभी ऊपर गए हैं ना? हाँ जी। और आप लोग जितना ऊपर आइएगा उतना ऊपर आप लोगों का हाइट बढ़ते जाएगा पहाड़ का, क्योंकि इधर आप लोग नीचे में देख सकते हैं, वैसे रोड तो ऊपर में बना हुआ है लेकिन गाड़ी जाने का सुविधा नहीं है। और इधर आप लोग देख सकते हैं जो जो लोग रात में चढ़े हुए थे सब वापस आ रहे हैं। और इधर देख सकते हैं सेटअप वगैरह। और इधर ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप लोग कुछ सामान वगैरह भी खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दुकान वगैरह का भी सुविधा यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और इधर आप लोग देख सकते हैं पहाड़ का ऊंचाई आप लोग। और मेला का रास्ता से स्टार्ट होता है और मेला का रास्ता यही है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं लिखा हुआ पोस्टर में इस मेला के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। तो गैस काफ़ी दूर चलने के बाद गैस अभी फाइनली अभी हम इस जगह पे आ चुके हैं जिस जगह पे मेला लगता है, ये ऊंचाई में पहाड़ में। और इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा बड़ा यहाँ पे टेंट वगैरह बना हुआ है, यहाँ पे जो दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे रहने के लिए, आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। और गैस इस मेला का गैस दुगबरा घुंटाबाड़ी का नाम से गैस जाना जाता है और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है गैस। तो अभी आप लोग को हर एक चीज़ इस ब्लॉग में आप लोग को दिखाएंगे, तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक पूरा बने रहिएगा। और बाकी आप लोग भीड़ देख सकते हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। और जैसे कि इधर आप लोगों को बताया कि यहाँ पे काफ़ी सारे दूर दूर से लोग जो आते हैं, यहाँ पे टेंट बना हुआ है यहाँ पे उनका रहने के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं आराम से बैठ सकते हैं, यहाँ पे रहिए, क्योंकि काफ़ी रात में पहाड़ चढ़ के आते तो थक जाते हैं सभी कोई। यहाँ पे देख सकते हैं सभी कोई यहाँ पे आराम कर रहे हैं। और बाकी आप लोग इधर देख सकते हैं पहाड़ का ऊंचाई। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक मंदिर है और यहाँ पे आप लोगों को दर्शन कराते हैं फिर भगवान जी का।
तो देख सकते हैं यही मंदिर है, तो अभी जो कि गेट बंद है अभी देख सकते हैं। और बाकी आप लोग इधर देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी बड़ा टेंट बना हुआ है और इसके अंदर काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जो काफ़ी दूर दूर से जो लोग आए यहाँ पे रहने के लिए, देख सकते हैं इनका सामान वगैरह भी काफ़ी पड़ा हुआ है, पूरा दूर दूर से आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बड़ा सा स्टेज बना हुआ आगे के साइड में, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, हम जूम करके दिखा दे रहे आप लोग को। और भीड़ यहाँ पे तो आप लोग देख ही सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साफ़ सफाई का मामला में काफ़ी ज़्यादा ऊपर में देख सकते हैं साफ़ सफाई है मंदिर के आसपास में। और यहाँ पे देख सकते हैं लोग किस तरह से यहाँ पे सोए हैं थक के, क्योंकि काफ़ी समय लग जाता पहाड़ के ऊपर चढ़ने में, तो इसके वजह से लोग थक जाते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे इसके बीचे बीच में देख सकते हैं यहाँ पे एक पानी का टंकी बहुत बड़ा, क्योंकि आप लोग देख पा रहे होंगे। और सभी जगह पर बोर्ड लगा हुआ है देख सकते हैं आप लोग, हमारे झारखंड सरकार का, हेमंत सोरेन। और यहाँ से पूरा मेला स्टार्ट हो जाता अब काफ़ी ज़्यादा भीड़ का। और यहाँ पे एक बांसुरी का दुकान है, आप लोग देख सकते हैं, ये क्या चीज़ है दादा? बांसी, बांसी। बांसुरी? अच्छा, कितना में मिलता है? हुआ 350। अच्छा, ये 350 का, बजा के दिखाइए ना। इतना ही आवाज़ निकलता है? ये किस चीज़ का बना हुआ? बांस का। ये पूरा बांस का बना हुआ? बांस का। तो देख सकते हैं गाइस आप लोग यहाँ पे कलर में बांस का बना हुआ है पूरा बांसुरी। तो अभी चलिए अभी चलते आगे और आगे देखते हैं फिर क्या क्या है। और इधर आने के बाद देख सकते हैं इसके नीचे भी यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और एक टाइप से बोल सकते हैं कि नीचे भी मेला लगता है। अगर आप लोग जितना दूर तक ये पूरा एरिया देख रहे हैं ये पूरा मेला ही मेला लगता है, सभी जगह पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को लोग नज़र आएंगे। और भीड़ इतना ज़्यादा है कि आप लोग बता नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। चलो और यहाँ से कुछ सामान मिलना स्टार्ट हो जाता है आप लोगों को ज़रूरतमंद का, देख सकते हैं। क्या है दादा ये क्या चाहिए है? ये क्या है? 350। नहीं मतलब क्या तीर है? हाँ। अच्छा, और सब देख सकते हैं गाइस आप लोग, फिर तीर धनुष भी आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे। और इधर देख सकते हैं शायद गमछा वगैरह है। और इधर जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये टोपी बना हुआ है, क्या चीज का टोपी है जी? क्या चीज का टोपी है? साल पत्ता का। अच्छा, साल नहीं पत्ता। तो देख सकते हैं काफी खूबसूरत टोपी बना हुआ है। और ये सब क्या है? बानम। बानम ये सब कितना में मिलता है? 1000 रुपए से लेकर 3000 तक का है। अच्छा, 1000 से लेकर 3000 तक। और इधर का आप लोग व्यू देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है गाइस। और इधर पहाड़ नज़दीक में ही है, तो यहाँ पे गाइस इस मेला में आदिवासी का लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ का सांस्कृतिक आदिवासी लोग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग आप लोगों को हर एक चीज़ मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए। यहाँ पे भी देख सकते हैं अलग अलग कलर से है। और इधर आप लोग को कुछ बुक वगैरह मिल जाएगा पढ़ने के लिए, आदिवासी के बारे में लिखने खा हुआ देख सकते हैं आप लोग।
और इधर जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे टी शर्ट वगैरह देख सकते हैं आप लोग, कपड़ा भी यहाँ पे खरीद सकते हैं आके, और कैलेंडर वगैरह देख सकते हैं। इस लुगाबरा घंटाबाड़ी से जुड़ा हुआ ये कैलेंडर भी यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे सभी जगह पे फोटो यहाँ पे इस मेला का। और ये जो आप लोग देख रहे हैं घड़ी, इसमें क्या है, इसमें अलग सिस्टम है, देख सकते हैं आप लोग, ये घड़ी उल्टा घूमता है। आप लोग कमेंट कर बताइए कि ये उल्टा घड़ी आप लोग को कैसा लगा। तो अधिकतर तो हम लोग का घड़ी सीधा ही घूमता है, लेकिन इन लोग का उल्टा घूमता है। और इधर आप लोग देख सकते हैं ये सभी जगह पे ये मिल जाएगा आप लोग का। कितना रेट है दादा इसका, कितना रेट है? 2500-2000। हाँ 3000। अच्छा ये क्या चीज़ का बना हुआ? ये लकड़ी का ही बना हुआ, पूरा लकड़ी का बना हुआ। ठीक। और इधर भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा लेने के लिए। और इधर फुल टाइप से देख सकते हैं क्या चीज़ बना हुआ है, पता नहीं, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे किस चीज़ का भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देखते हैं यहाँ पे किस चीज़ का भीड़ है। क्या मिल रहा है पता नहीं, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चना और पानी मिल रहा है शायद मुफ्त में, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस। और पहाड़ तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर में है, देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे। तो चलिए चलते आगे तक, देखते हैं यहाँ पे कितना दूर तक जाने सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय लगता है पहाड़ चढ़ने में। और अभी भी देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे लोग जा रहे हैं, यहाँ पे पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए देख सकते हैं भीड़ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और इधर का भी साइड में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे चढ़ रहे हैं लोग। और इधर पानी का बोतल काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है। और इधर का रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सड़क नहीं बना हुआ है, आप लोग इसी कच्चे रास्ते से आप लोग यहाँ पे पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं। तो गैस अभी काफ़ी दूर आ चुके हैं गैस यहाँ पे चढ़ते चढ़ते गैस, और गैस एक दिन में तो संभव है नहीं गैस, और समय भी नहीं गैस ऊपर चढ़ने का, कोई नहीं गैस नेक्स्ट साल आएंगे गैस तो चढ़ लेंगे गैस। तो चले गैस अब इस ब्लॉग को गैस एंड करते गैस, ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करते। तो गैस आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। तो गैस ब्लॉग पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग मेरा चैनल नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये इंटरनेशनल मेला कैसा लगा, ये लुगुबरा घंटाबाड़ी का। तो चले मिलते फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।